वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चलो सबसे पहले हमने इसके अंदर उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी आप सबने कर लिया है, मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था इसको। चलो रेडी, फिर यहाँ पे हम देखते हैं 11.3 ड्रॉ द, अगर आपको किसी को बच्चे को इसमें कुछ डाउट है, चलो 11.1 में, तो वो अभी ही 30 सेकेंड का टाइम है हमारे पास, उसमें से मुझे बोले कि ये मुझे सर समझ में नहीं आया फास्ट, या तो लिख लो अंदर। और ओके है तो ओके लिख लो। ओके भी नहीं है और डाउट भी नहीं है। अच्छा ओके है, चलो मुझे लग रहा है आप सबको डाउट्स है, तो मैं फटाफट करता हूँ। दोस्तों जब भी नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड किया किया जाता है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो है हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या तो राइट से लेफ्ट जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप कौन सी साइड से है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये डिरेक्शन से अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। इसमें देखो दोस्तों, सेकेंड कार्बन पे CH3 और सेकेंड पे CH3 और यहाँ पे फोर्थ पे CH3, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.2.4 ट्राई CH3 को लिख सकते हैं मिथाइल, और फिर पांच कार्बन है तो पेंटेन, और थर्ड कार्बन पे OH है तो 3-ol। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये दूसरा कंपाउंड है, देखो दोस्तों इसमें लेफ्ट साइड से लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट हैंड से और राइट साइड जाना है, या तो राइट से लेफ्ट जाना है ऐसा समझेंगे। तो हमारा नंबर L टू R होगा कि R टू L, तो L टू R होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप सेकेंड पे है और यहाँ पे OH फोर्थ पे है, तो इसीलिए हमें इस साइड से ही नोमेनक्लेचर सही लगता है। तो अब सबसे पहले OH के अलावा बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है आपका इथाइल, उसका नाम किया जाता है, तो इसको क्या लिखोगे, 5-ethyl-heptan 2,4-diol। चलो दोस्तों ये हो गया, अब इसको ऐसे किसी सी साइड से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ब्यूटेन 1,2,3-diol, आप लोग फटाफट से लिख लेना अपने बुक में तो भी समझ में आ जाएगा। चलो इसमें OH है, फिर C है, तो तीन कार्बन है और तीनों पे OH है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल बोलते हैं। चलो दोस्तों अब फिनोल आया 1 एंड 2, तो इसको क्या बोला जाता है, 2-methyl, सेकेंड पे CH3 मतलब 2-methyl फिनॉल, और इसको क्या बोला जाता है, 1, 2, 3, 4 4-methyl फिनॉल। और अगर OH को ही पहला नंबर दिया जाता है, तो कौन सी साइड से नज़दीक नंबर पड़ेंगे दोस्तों आपको, ये 8-7 वाले में, तो सर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो थर्ड पे मिथाइल आएगा और सिक्स पे मिथाइल आएगा, लेकिन नीचे की ओर से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 2 एंड 5 पे आएगा, तो 2 एंड 5 वाला बहुत ही नज़दीकी नंबर है, तो हम बोल सकते हैं 2,5-dimethyl फिनॉल। सिमिलरली 1 नंबर किसको दिया जाता है, OH वाले को, फिर तो हमारा दोनों साइड से सिमिलर चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,6-dimethyl फिनॉल। अब इथर का नाम आया, देखो इधर
तो ईथर में छोटा कार्बन, लेस कार्बन वाला यही है, तो उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी। लेकिन ये कितने कार्बन पे है? तीन कार्बन पे जुड़ा है, इसीलिए हम इसको वन लिखेंगे, वन मिथॉक्सी और टू मिथाइल। देखा ना, पहले पे मिथॉक्सी और दूसरे पे मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली ये बेंजीन है C6H5, ये इथाइल है, तो इसको नाम बोलते हैं इथोक्सी बेंजीन। और आगे जा रहे हैं हम, इसमें छह कार्बन है और इसमें सात कार्बन है, एन एन हेप्टाइल बोल सकते हो इसको, और ये बेंजीन है, तो हम क्या लिखेंगे? फिनॉक्सी, याद रखना, फिनॉक्सी। ये क्या लिख रहा है, मतलब पहले कार्बन पे फिनॉक्सी हेप्टेन, क्योंकि एन हेप्टेन लिखा है इसीलिए। चलो इसके अंदर देखोगे तो आपका इथॉक्सी है, लेकिन अभी टोटल सर तीन कार्बन नहीं, चार कार्बन हो गए, क्योंकि ये भी गिना जाता है, वन टू थ्री फोर, तो टू इथॉक्सी ब्यूटेन लिख सकते हो दोस्तों। ऐसे आगे जा रहे हैं, राइट द कंपाउंड IUPAC नेम में से कंपाउंड आपको बनाना है। चलो टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, क्या करोगे आप लोग? तो ये तो सिंपल है, इसमें सबको पापा देखने हैं, ब्यूटेन सर। इसमें क्या है तो प्रोपेन, इसमें क्या है हेक्सेन, इसमें प्रोपेन मिथेनॉल, और इसमें सर पेंटेन, इसमें पेंटेन हेप्टेन। तो ऐसे ही इसके जो आपकी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, उसको अकॉर्डिंग आपको नोमेनक्लेचर करना है और उसी के ऊपर जुड़ना है। मैं थोड़े से आपको पहला वाला दिखा देता हूँ, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, एक दो तीन चार, सेकेंड पे मिथाइल और सेकेंड पे भी OH है, तो ये हो जाएगा। चलो दूसरा वाला, वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। चलो प्रोपेन तो है ही, टू पे ऑल है और वन पे क्या है फिनाइल है, तो ऐसा लिख सकते हैं। बाकी के तो हाइड्रोजन डालना आता ही आपको। और भी देखते हैं, कौन सा वाला, फोर्थ वाला, टू थ्री डाई इथाइल फिनॉल, फिनॉल ये हो गया, वन टू और थ्री, फर्स्ट पे तो OH ही होगा और टू और थ्री पे डाई इथाइल है C2H5, C2H5। चलो VII को करते हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, एक हाइड्रोजन चला गया और साइक्लोहेक्सेन अटैच हो गया, तो दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। IX साइक्लोपेंट थ्री इन ऑल, तो साइक्लोपेंटा आएगा इसके अंदर, सॉरी साइक्लोपेंट ऐसा नहीं होता, साइक्लोपेंट ऐसा होता है, वन पे OH, थ्री इन, वन टू थ्री, थ्री के बाद इन है, थ्री इन वन ऑल, तो ऐसा मिल सकता है। और एक्स वाला लास्ट देख लेते हैं हम, इसके अंदर थ्री क्लोरो मिथाइल पेंटेन, पेंटेन आया, एक दो तीन चार पाँच, पेंटेन पे सर वन ऑल है, तो इस साइड को मैंने वन बोल दिया, वन ऑल, और थ्री क्लोरो मिथाइल, थर्ड नंबर पे क्लोरो मिथाइल है, CH2Cl, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट होगा। तो सर आप बच्चों, आपको वो समझ में आया, 11.1 एंड 11.2 आप ऐसे कर सकते हो? किसी डाउट हो किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कुछ डाउट्स है?
क्या डायोड आया? ओके चलो, अरे बोलते रहो दोस्तों, मज़ा नहीं आएगा वरना। 11.3 देखते हैं हम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। और दूसरी चीज़, क्लासीफाइड आइसोमर अल्कोहल इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम उसके लिए ये पेज पे यूज़ करेंगे 11.3 C5H12O, ऐसा ही है ना, C5H12O। ओके चलो, अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है और OH की बात हो रही है, तो हम OH ऐसे पहले कार्बन पे लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, OH दूसरे कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, OH तीसरे कार्बन पे जा रहा है। और दूसरी चीज, 1 2 3 4 और 5, ऐसे था ना, तो OH हम पहले कार्बन पे डाल रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, OH हम दूसरे कार्बन पे दे रहे हैं। 2 3 4, यहाँ पे तो सी था ही, OH हम तीसरे कार्बन पे देते हैं। 1 2 3 4 और 5, OH हम ये फोर्थ कार्बन पे लिख रहे हैं। तीसरी बात, 1 2 3 4 5, OH हम ये पहले कार्बन पे लिखते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें आइसोमर्स नहीं मिलते। चलो IUPAC नेम करना है, तो पांच कार्बन फर्स्ट पे है, पेंटेन डैश वन डैश ऑल, पेंटेन डैश टू डैश ऑल, पेंटेन डैश थ्री डैश ऑल। चलो ओके हो गया। चलो यहाँ से नंबर देना है 1 2 3 और 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। और इधर देखोगे तो नंबर इस साइड से आएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन वन ऑल। दोस्तों ये तो समझ में आ गया, और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर हम हाईलाइट कर सकते हैं। इट्स अ 1 डिग्री अल्कोहल, OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, इट इज़ ऑल्सो 2 कार्बन 2 डिग्री। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता मैंने ये फटाफट से 1 डिग्री 2 डिग्री लिखा है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो दोस्तों, एनी टाइम यू कैन स्टॉप मी हियर एनी वेयर। तो सर एक जगह मिस्टेक की, सर कहाँ पे बोलो, लास्ट में टर्शरी में कौन सा वाला टर्शरी, टू कॉमा टू आएगा। नोमेनक्लेचर में? हाँ सर, हाँ राइट, टर्शरी तो है ही नहीं, वो नियो है, नियो। ओके ये 1 डिग्री ही है। चलो, OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, इट्स अ 1 डिग्री। OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, इट्स अ 1 डिग्री। लास्ट से चालू कर रहा है मैंने, OH कंटेनिंग कार्बन अटैच विद अनदर 2 कार्बन 2 डिग्री। ऐसे करके हमने सबको नोमेनक्लेचर दे दिया, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके ओके बच्चों, जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। चलो मुझे बुक है नहीं मेरे पास, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। एक्सप्लेन व्हाई द प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो
ऐसा है कि ब्यूटेन के अंदर आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, और प्रोपेनॉल, यही प्रोपेनॉल जो है CH3 CH2 CH2, तो इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, और ब्यूटेन के अंदर नॉन पोलर। सिंपल लॉजिक, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसीलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बस इतना आप अपने हिसाब से अपने बुक में ऐड कर लेना। 11.5, अल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन, इसका भी रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद द, तो आंसर इज एच बॉन्ड। चलो 11.6, व्हाट इज द मीन्ट बाय हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन, नहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये पूरा रिएक्शन आप लोग वहाँ से देखोगे कि भाई प्रोप वन इन यूज होता है और फर्स्ट स्टेप में BH3 यूज करना है, और ट्राई प्रोपाइल बोरेन हमें मिलेगा और वो टूट के वन प्रोपेनॉल मिलेगा आपको, प्रोपेन वन ऑल, और वो एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनो हाइड्रिक फिनॉल ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला C7H8O। दोस्तों देखो C7H8O इसका क्या बना है, मोनो हाइड्रिक फिनॉल बनाना है। चलो हम फिनॉल देख लेते हैं, OH, और यहाँ पे क्या हुआ, मोनो है इसलिए एक ही OH आने वाला है, बाकी के 6 कार्बन के साथ एक और कार्बन भी चाहिए जिसको मिथाइल से अटैच होगा, तो क्या हाइड्रोजन मैच हो गए? दोस्तों देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमें मिल सकते हैं। ओके चलो आगे जा रहे हैं हम। ऑर्थो मेटा एंड पैरा, दोस्तों इसके और भी मैं आइसोमर्स बना सकता हूँ। देखो OCH3 ऑल्सो गिव्स दिस फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका भी ये होगा और इसका भी ये होगा, तो ये 5 हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है मोनो हाइड्रिक फिनॉल, तो इसमें से फिनॉल 1 2 और 3 है, ये तो हो गया इथर और ये हो गया अल्कोहल, तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 1 और 2, तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिथाइल फिनॉल, क्रेसोल बोलते थे, ऑर्थो क्रेसोल, 3 मिथाइल फिनॉल, और मिथाइल फिनॉल, तो ये आपका आंसर है, ये 3। ये क्वेश्चन के अंदर ये दोनों नहीं आएंगे। ओके तो बच्चों समझ में आया आपको, चलो आगे देखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया आपका डाउ प्रोसेस, NaOH वाला याद आया सर, NaOH 300 ATM प्रेशर, 673 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेशर थी और हमें ये मिल जाता था। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, इथीन में आप पानी डालो H+ के प्रेजेंस में और आपको इथेनॉल मिल जाता था, मैकेनिज्म है लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू है आर गिवन बेंजीन कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, समझ लो। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट, भाई आपने बेंजीन लिया है, हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन था कि अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आपने ऐसे बेंजीन लेके बनाया है तो कैसे बना सकते हो, तो ये 11.2 जो
12 जो है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि भाई बेंजीन लिया आपने, फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेट H2SO4 से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, है ना, और उसका NaOH से हाइड्रोलिसिस करेंगे, NaHSO3 बनेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, OH फिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है, बेंजीन। अगर बच्चों समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। 13 शो हाउ विल यू सिंथेसिस दिस वन फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सूटेबल अल्किन। वन फिनाइल इथेनॉल ये है दोस्तों, समझ लो, और इसमें किस में से बनाना है, अल्किन में से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये OH जो है ना वो फर्स्ट पे ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर आपने लिया है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें आपने डाला H+ के प्रेजेंस में पानी, तो H+ के प्रेजेंस में पानी डालने से ये मार्कोवनिकोफ का रिएक्शन होके आपको क्या मिलता है, OH इज अटैच टूवर्ड द बेंजीन रिंग मिथाइल लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। सो योर वन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन वी कैन शोन लाइक दिस। बच्चों समझ में आया, पूरा H2O यहाँ पे ऐड हो जाता है, H इधर ऐड होगा और ये, तो इसीलिए हमें ऐसा मिल जाता है। इसको जो बिना काम की चीज़ हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो आपको क्लियर पता चल जाए कि भाई ये कैसे क्या मिलता है। चलो बेटा आगे जा रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 इक्वेशन। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है हमें, तो मैं आपको बताऊं इधर 11.13 का सेकंड साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें अंदर हमें SN2 रिएक्शन करके बनाना है, तो कुछ भी नहीं है सर, अरे सॉरी सॉरी, ये इसमें बीच में क्या नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन हमें लेना है और CH2Cl, तो सीधा OH से रिएक्ट होके SN2 मैकेनिज्म के से ही सीधा H और Cl, OH और Cl एक दूसरे को रिप्लेस करके आपको ये मिल जाता है क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। सर इसमें पहले आपने मिथेनॉल मिथेन लिखा क्लोरोमिथेन और इसमें लास्ट में लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये OH में सफिक्स आता है और क्लोरो में प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स में नाम पहला किया जाता है, सफिक्स में नाम लास्ट में किया जाता है, तो जस्ट रीजन यही है दोस्तों। थर्ड नंबर पेंटेन वन और यूजिंग सूटेबल अल्काइल हैलाइड, दोस्तों आपको पेंटेन वन ऑल चाहिए, तो अल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे आप, Cl, NaOH लेके भी आप सीधा इसमें से NaCl रिमूव कर सकते हैं,
वन क्लोरो प्रोपेन, नहीं, प्रोपेन नहीं, पेंटेन, और पेंटेन वन ऑल। चलो ओके दोस्तों, यस और नॉट? यस कर सकते हैं हम। 11.14, देखो दोस्तों आज के दिन में जितने होंगे उतने ही हमें करने हैं। गिव टू रिएक्शन दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। आपको तो पता है इथेनॉल जो है उससे ज्यादा एसिडिक कौन है, उसके ज्यादा फिनॉल है, और उसका रिएक्शन फिनॉल का, हम दो रिएक्शन कर सकते हैं, एक एनए के साथ दूसरा एनएओएच के साथ। समझ रहे हो दोस्तों? तो बेंजीन रिंग पे वो एनए बनता है, इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि भाई ये क्या है दोस्तों, एसिडिक है। बच्चों समझ में आया? एसिडिक है, ऐसा समझने के लिए हमें फिनॉल का सोडियम मेटल और NaOH, दो दोनों बेस है, उसके साथ रिएक्शन करना था। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, Na एंड NaOH। चलो आगे, एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल तो दोस्तों सबसे नजदीकी अगर कोई पोजीशन है तो वो ऑर्थो है, और नजदीक में ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से, बेंजीन खींचता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन खींचता है किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है। ड्यू टू दैट योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक ग्रेटर देन देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक्सप्लेन हाउ डज द डैश ओ एच ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट द टूवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इसमें तो आपको क्या करना है, रेजोनेंस ऑफ फिनोक्साइड आयन या तो फिनॉल वो दिखाओगे, तब माना जाएगा कि यस उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हो रहा है, तो वो मतलब फिनॉल खुद अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देके बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। आर यू रेडी? रेजोनेंस करके हम पता कर सकते हैं। गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वन ऑल विथ KMnO4। ओ बाप रे, चलो नंबर 11.7। प्रोपेन वन ऑल, उसका ऑक्सीडेशन हम अगर KMnO4 से करते हैं तो इट कन्वर्ट इन टू CH3COOH। इसका क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, कि भाई इट इज अ प्रोपेनोइक एसिड और ये है प्रोपेन वन ऑल। दोस्तों समझ में आ गया, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, फिनॉल तो हमें मिल जाता है कौन, OHBr एंड OHBr।
और ये हमें मेजर मिलता है, याद है? यस दोस्तों, ये डायरेक्टली रिएक्शन है अपना फिनॉल का, और नामकरण खुद कर लेना, डाइल्यूट एच एन ओ थ्रो विथ फिनॉल, फिनॉल का डाइल्यूट एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन भी, जैसे हमारा ये ब्रोमो मिलता है सिमिलरली वही मिलता था। और यही चीज़ अगर, तो इसको बोला जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल बोला जाता है। ये रिएक्शन नंबर थ्री। नंबर फोर, ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वायस NaOH। दोस्तों ये क्या है, अगर आप सोचोगे कि आपका फिनॉल को हम ट्रीट करें, हाँ NaOH, तो आपको तो पता है CHCl2, अगेन उसको रिएक्ट करवाएंगे CHO, ONa, और फाइनली OH एंड CHO, सैलिसाइल्डिहाइड। इसका नाम क्या हुआ देखो, रेमन टाइमन रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कॉल भी तो कर सकते हो, रेमन टाइमन ऊपर देखा। विलियमसन सिंथेसिस क्या है दोस्तों, तो विलियमसन सिंथेसिस ROH, नहीं RONa प्लस आर डैश एक्स, तो हमें क्या मिलेगा आर डैश ओ आर, तो ऐसे इथर बन जाता है। अनसिमेट्रिक इथर बनाना है आपको, कौन सा अनसिमेट्रिक इथर, तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, तो भी आप अपना विलियमसन सिंथेसिस ही यूज करोगे, क्योंकि उसमें आपका आर एक्स और वो दोनों अलग अलग होंगे, ये बोथ आर सेम। चलो राइट द मैकेनिज्म नहीं लिखना है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। कन्वर्जन तो मैं सोच रहा हूँ आप खुद करो, लेकिन नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी आर यूजिंग KMnO4। चलो दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, वी कैन यूज PCC। और तो सर हम क्या कर सकते हैं, Cu573 केल्विन, ये दोनों में से किसी एक को डालो। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल एंड टू गिव दिस, तो वी आर यूज ब्रोमीन वाटर। बेंजोइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, KMnO4 सेम है, 1 डिग्री अल्कोहल है और COOH में कन्वर्ट करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 2-ol टू प्रोपीन, कंसंट्रेट H2SO4, ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल, रिडक्शन इससे, LiLH4 NaBH4। तो बच्चों समझ में आ रहा है, ये बहुत, जितनी प्रिपरेशन आप इसकी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मजा आएगा। 11.12.22, गिव द रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। अरे यार, CH3 CH2 OH, और उसी का ही आइसोमर है ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों समझ में आया, चलो आगे जा रहे हैं। गिव द UPSC नेम ऑफ फॉलोइंग इथर्स, तो इथर में इसका नाम क्या लिखेंगे हम,
सर ये 1, 2 और 3, 2-ethoxy, सॉरी 1-ethoxy, 2-methyl प्रोपेन। वन टू वन क्लोरो, 2-methoxy इथेन। चलो इसका नाम क्या होगा? ये तो सर ऐसा है, और ये पैरा पे है ना, पैरा पे NO2 है, पैरा नाइट्रो, IUPAC नाम देना है ना, 4-नाइट्रो एनिसोल। इथॉक्सी है, इथॉक्सी इसका नाम लिखता हूं मैं, वी का इथॉक्सी 4,4-डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, इथॉक्सी 4 क्या? यस। चलो और ये इथॉक्सी बेंजीन, ये तो हो जाएगा। चलो बच्चों समझ में आ गया है, तो हम आगे जा रहे हैं। 11.24, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दोस्तों। मैं आपको नए पेज पे ही बताता हूँ इसको। चलो देखो इधर, चलो क्या नाम था दोस्तों हमारा? यस, 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3, ओ 1, 2, 3, बस ये है। दूसरा क्या है? इथॉक्सी बेंजीन, तीसरा क्या है? 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, चलो और कौन है? 1-मिथॉक्सी इथेन। तो दोस्तों इसके लिए सुटेबल अल्काइल हैलाइड एक होना चाहिए और एक RONA होना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ तो आपका कोई भी ले सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 I प्लस CH3 CH2 CH2 ONA। देखो दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस जब होता है तब हमें इतनी चीज बताई गई है कि एक हेलो अल्केन लेना है और दूसरा सोडियम अल्कोक्साइड लेना है, तो इसीलिए हमने पहले ये ले लिया, तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब इसके अंदर क्या मिल रहा है? CH3 CH2 I प्लस बेंजीन रिंग पर
ONA, ये भी हो सकता है। इसके बाद अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल ये बनाना है, तो 3 डिग्री के लिए तो आपको पता है कि आपका आयोडीन मतलब ये SN1 हो जाता है, बाकी इसमें SN2 और SN2 ही रहता है, और बचा क्या OCH3, तो CH3ONA। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो CH3CH2I प्लस CH3ONA। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये? आया कि नहीं? आ जाना चाहिए। चलो आगे, इलुस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इथर। तो ये लिमिटेशन वही है कि भाई आपका 3 डिग्री अगर आया और बनाना है, प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या करोगे? तो 3 डिग्री हेलो अल्केन अगर सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो ये नहीं मिलेगा हमें। हाँ, अगर ये दोस्तों ये रिएक्शन हमने अगर कर लिया ना, ये वाला, तो ये तो हमें अल्किन देता है, अल्किन। अल्किन देता है, बाकी सबका सही है, लेकिन इसमें अल्किन देता है। तो ये अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चलो ये थर्ड की बात कर रहे हैं हम इधर, CH3CCH3CH3ONA प्लस CH3Cl, तब जाके आपको CH3CH3NO CH3 जुड़ के मिलेगा। तो ये थर्ड के लिए गलत है दोस्तों, इसमें आपको अल्किन मिल सकता है, लेकिन ये अगर यूज़ किया तो यू गॉट दिस कंपाउंड। 25 हो गया। 26, हाउ इज वन प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल। दोस्तों प्रोपेन सुनो, वन ऑल, और उसमें वन प्रोपोक्सी प्रोपेन करना है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो, तो ONA बन गया, और उसी का ही रिएक्शन हम ब्रोमो प्रोपेन से करते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। क्या मिला? क्योंकि अगर हमें इथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस करना ही पड़ेगा। ओ के साथ NaBr जुड़ जाता है, CH3CH2CH3। दिस इज योर आंसर, इट इज 11.26। 27, डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टर्शरी इज नॉट सुटेबल, गिव रीजन। वो और आप देख लेना आगे, प्रिपरेशन इथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन सेकेंडरी, राइट द इक्वेशन फॉर द रीजन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ वन प्रोपोक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन एंड बेंजाइल इथाइल इथर। चलो ये नंबर वन हो गया। मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है? बेंजाइल इथाइल इथर। क्या प्रोडक्ट बनाओगे सर? इसमें तो यही टूटेगा, तो CH3CH2CH2I प्लस अब
अब इसमें भी यही बॉन्ड टूटता है अल्काइल वाला, प्लस एन माइनस। सिमिलरली इसमें भी फिनॉल, CH3 CH2 आई बनेगा। तो जिस आपको सबके नाम खुद लिखने हैं दोस्तों। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 11.28। चलो 11.20, एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ एराइल अल्काइल हैलाइड द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेटेड द, ये तो वो आपको क्या करना है इसमें समझ में। फॉर 29 ऑल्सो यू मस्ट गिव देम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या देना है इसमें भी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन के ओआर। चलो 30, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन। मैकेनिज्म लिखने का बोला है, हम सीधा एक रिएक्शन तो देख लेते हैं। मिथॉक्सी मीथेन प्लस HI, कुछ बचता ही नहीं सर। CH3I प्लस CH3OH, तो यही बचता है, तो ये सही है बिल्कुल भी। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। तो भाई ये आपने कल देखा था, वो है नाइट्रेशन भी कल देखा था, ब्रोमिनेशन भी कल देखा था, और एसाइलेशन भी कल ही देखा था। जो लास्ट टॉपिक है अपना ये चैप्टर का वो है ये। 32, हाउ शो यू वुड यू सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्किन। भाई इसमें से ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ जोड़ने वाला है, जाने वाला है? तो जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप मिलते हैं वैसा ही ज़्यादा होगा, इसीलिए आपका डबल बॉन्ड इधर ही बन के ये कार्बन का H और ये OH रिमूव होगा, और इसमें से किसी एक साइड का H रिमूव होके डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये चला जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे इस साइड पे डबल बॉन्ड आएगा दोस्तों, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑल्सो वी गेट दोनों साइड पे आ सकता है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे फिनाइल, ऐसे सब आएंगे ना। हाँ लेकिन वो बेंजीन के साथ है इसीलिए ये ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बनेगा, वो आप लोग खुद इसको अपने हिसाब से मेंशन कर लेना। वेन 3-methyl-butane-2-ol, वेन 3-methyl-butane-2-ol इज ट्रीटेड विथ HBr, फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हाँ इसका थोड़ा सा अलग है दोस्तों जजमेंट थोड़ा, और इसको हम बाद में कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको मैकेनिज्म भी समझाना होगा पूरा, और उसके अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों। ओके तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा ये वाला, कौन सा? ये लास्ट वाला जो है वो। ओके तो रखते हैं इधर, मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग को मैं इनवाइट कर लेता हूँ कि भाई कंपलसरी आओ।